फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को। आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही यूनिक रेमेडी के ऊपर, जो निश्चित तौर पे बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। फ्रेंड्स, यह रेमेडी काम करती है न्यूरोमस्कुलर डिसीजेस। ये फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक रेमेडी है, जो ऑटोइम्यून डिसीजेस होती हैं वो चाहे जिस भी प्रकार की हो, उन सब में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, इस रेमेडी का पिक्यूलर सिम्टम्स यह है कि कोल्डनेस रेमेडी है, यानी कि कोल्ड की वजह से किसी भी प्रकार के सिम्टम्स पेशेंट में जनरेट होते हैं, ऐसे कंडीशन में इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं। कोल्ड एलर्जी के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इस रेमेडी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इस रेमेडी का मेडिसिनल नेम क्या है, ये किस सोर्स से बनाई जाती है, यानी कि किस सोर्स से है, प्लांट किंगडम से है कि मिनरल्स किंगडम से है कि एनिमल किंगडम से है कि नो सोर्स है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, किसको कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और निश्चित तौर पर इसके अंदर पाए जाने वाले मेडिसिनल जो गुण हैं, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे, और इसके मेडिसिनल यूजेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके पहले चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है, इस रेमेडी का जो मेडिसिनल नेम है वह है मोस्कस के नाम से जानी जाती है, MOSCHUS। फ्रेंड्स, ये मोस्कस एक मस्क है, एक प्रकार का। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, आप सब जानते हैं इसको, साइबेरियन मस्क डियर, जिसको अपन लोग भारत में कस्तूरी मृग बोलते हैं, ये उसके जो कस्तूरी होती है, जो उसके नाभि में पाई जाती है, फ्रेंड्स उससे जो डिस्चार्ज निकलता है, उससे उसको विचूर्णीकरण करके उससे तैयार किया जाता है, यानी कि टिटुलेशन जो प्रोसेस होता है, उसके बाद इस रेमेडी को तैयार किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है, जो साइबेरियन जो मस्क डियर होता है फ्रेंड्स, वो कई देशों में पाया जाता है, जैसे कि साइबेरिया हो गया, मंगोलिया हो गया, मंचूरिया हो गया, आज देशों में पाया जाता है। और भारत में ये कुछ विशेष राज्यों में पाया जाता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है, इसके साथ हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, उत्तराखंड में है, और अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी हिरण की ये प्रजाति है फ्रेंड्स, वो पाई जाती है, और उससे इस रेमेडी को तैयार किया जाता है। और निश्चित तौर पे फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि कस्तूरी कुंडल से मृग हेर बनेस, यानी कि कस्तूरी में इतनी खुशबू होती है कि उसकी खुशबू से जो मृग होता है वो पागल हो जाता है, और उस खुशबू को तलाशता रहता है, जबकि खुशबू उसके पास में रहती है। आप सबने हिंदी में ये पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे बात करेंगे कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो रासायनिक घटक हैं, इसमें पाए जाते हैं फ्रेंड्स पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, फिर मस्काइन म्यूस्कल क्लाइड इसमें पाई जाती है, स्टेरॉइड एंड मस्कोपाइरिडाइन इसमें से पाई जाती है फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज जो निश्चित तौर पे नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। स्टेरॉइड है तो किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन को कम करना और एलर्जी को कम करने के लिए वो जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट इसके जो मेडिसिनल यूजेस हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही अच्छा काम करती है, स्पेशली काम करती है ऑटो इम्यून डिसीजेज, जैसा कि अपन ने शुरू में बताया, इस रेमेडी के बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं न्यूरोमस्कुलर डिसीजेज के ऊपर, जैसे स्क्लेरोसिस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, मायोपैथी हो गया, पोलीमायोपैथी हो गया, न्यूरोल्जिया हो गया, इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं। ये नर्वस सिस्टम की एक प्रकार की डिसीजेस होती हैं फ्रेंड्स। ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, हेल्प रिड्यूस टू इन्फ्लेमेशन, शरीर के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको ये कम करने के लिए जानी जाती है। इम्यूनिटी को बैलेंस, यानी कि सही रखने के लिए काम करती है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है उसको ये ठीक रखती है। यह रेमेडी काम करती है कार्डियो वैस्कुलर डिसीज के ऊपर, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। यह रेमेडी काम करती है न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। यह रेमेडी काम करती है हिस्टेरिया, उन्माद, पागलपन, मिर्गी ऐसे केसेस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, यानी कि हिस्टेरिया, फाइंटिंग, फिट, कन्वर्जन यानी कि ऐंठन ऐसे समस्या में भी इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। बहुत ही प्रभावी रेमेडी है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे लक्षण मैच करता है तो अन्य भी रेमेडी लेनी है, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, दी करेक्टरिस्टिक कंडीशंस बिगर एग्रवेशन बाय कोल्ड, हमने शुरू में बता दिया कि कोल्ड की वजह से अगर किसी भी प्रकार का एग्रवेशन देखने को मिले, सिम्टम्स देखने को मिले, तो उसमें रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। सेंसिटिवनेस टू एयर, यानी कि हवा के प्रति जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है ना, लगा जैसे कि कोल्ड एयर चल देती है, तो उस दौरान क्या हो जाता है कि उसके शरीर में ऐंठन होने लगती है, उसके नाक जाम होने लगते हैं, आँख लाल होना शुरू हो जाती है, चेहरे में एक प्रकार का रेडनेस इन्फ्लेमेशन देखने को आपको मिलता है, और इंडाइजेशन भी होना
शुरू हो जाता है, तो एक प्रकार के उसको आप कोल्ड एलर्जी कह सकते हैं, सेंसिटिव कह सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। LMD काम करती है मच नर्वस ट्रेम्बलिंग एंड फ्रिक्वेंट फाइंटिंग, यानी कि कंपन बहुत ज़्यादा इसमें होता क्या है, हाथ पैर में ट्रेम्बलिंग ये इस कंडीशन में देखने को आपको मिलेगा। एंड फ्रिक्वेंट फाइंटिंग यानी कि बार बार उनको चक्कर आना, मिर्गी के दौरे पड़ना, ऐसे कंडीशन में भी LMD बहुत अच्छा काम करती है। LMD काम करती है फ्लैटुलेंस कंडीशन यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा एलर्जी की वजह से गैस भर जाना, ये कंडीशन में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और जैसा कि अपने शुरू में बताया फ्रेंड्स, इसके जो पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं, जो की टर्म्स हैं, वो है टेंशन इन कोल्डनेस। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कोल्ड के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, टेंशन इन मसल्स स्किन एंड माइंड के ऊपर यह काम करने वाली रेमडी है। और जैसा कि अपने बताया कि एक प्रकार के नर्वस सिस्टम रेमडी है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और अगर लक्षण किसी के साथ मैच करता है तो डॉक्टर की सलाह से आप इसको लें। पोटेंसी फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू डिसीज एंड केस के ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए पोटेंसी कोई फिक्स नहीं होती और यहाँ से पोटेंसी को बताया भी नहीं जा सकता। उसके लिए आपको हमसे कॉन्टैक्ट या अपने चिकित्सक से आप कॉन्टैक्ट करके आप इसकी पोटेंसी डिसाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगा हो इसको लोगों तक पहुँचाइएगा। फ्रेंड्स मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।